जोहार मास्टर जी, राहुल की भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी, और हम अपने दर्शकों को भी करते हैं जोहार, और कार्यक्रम में आपका करते हैं बहुत बहुत स्वागत। पर्वतिया जी, अब बताइए कि आपका हालचाल क्या है? हालचाल तो सब बढ़िया है मास्टर जी, तनी सुन खाली वो है मौसम का असर मन रहेला, तो तनी गाय गरु मन परेशान, तनी खेत में परेशानी, यही सब चलते और क्या बात है। तो चलिए ये हालचाल का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अपने दर्शकों का हाल तो हम नहीं ले सकते, लेकिन उनको उनकी खेती बाड़ी के बारे में जो भी हालचाल है वो जरूर बता सकते हैं, है ना? तो किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले कृषि दर्शन में देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में काजू की खेती को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है अनुदान। बेहद लाभप्रद है समेकित कृषि प्रणाली। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर है कोनो पैदी बीडर। अनुसंधानों के दौर से गुजरते हुए आज हमारा झारखंड प्रदेश भी कृषि क्षेत्र में काफी उन्नति कर चुका है। आज ऐसे बहुत से फसलों की खेती हमारे यहाँ की जा रही है जिसकी यहाँ संभावना नहीं थी। ऐसे ही काजू की खेती आज हमारे झारखंड प्रदेश में आसानी से की जा सकती है। राज्य में काजू की खेती को बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन काजू फलबाग की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40% राशि अनुदान दे रही है। समेकित कृषि प्रणाली कृषि की एक ऐसी प्रणाली जिसमें कृषि के तमाम क्षेत्र जैसे पशुपालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन के साथ खेती बाड़ी को एक सूत्र में बांधकर काम किए जाते हैं, जिसमें लागत तो बहुत कम लगती है और लाभ ज्यादा होता है। समेकित कृषि प्रणाली के लाभों को और विस्तार से जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ से। शान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली के जो विशेष फायदे हैं आप उनको जरूर अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि आप विभिन्न तरह के फसलों का समायोजन करते हैं। आपके पास वैकल्पिक आय के तकनीकी ज्ञान होने से आप वैकल्पिक आय का उत्पादन करते हैं, और इससे आपकी जो जमीन है, मिट्टी है, ये भी उर्वरक क्षमता से परिपूर्ण रहती है। इसलिए किसान भाइयों, आपको समेकित कृषि प्रणाली के लिए आगे आने की ज़रूरत है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन और पूसा रूबी टमाटर के उन्नत प्रभेद है। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इस किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। ये किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। सितंबर से अक्टूबर तक टमाटर की मुख्य फसल लगाई जाती है। टमाटर की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाई उन्नत प्रभेद स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन और पूसा रूबी लगा सकते हैं। ये किस्में अच्छी फलन देने वाली मानी जाती हैं। 500 से 700 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 200 से 250 क्विंटल टमाटर प्राप्त किया जा सकता है। टमाटर के पौधों में फल लगने से वजन के कारण पौधे झुक जाते हैं और फल जमीन से छूने लगते हैं, जिस कारण कई प्रकार की बीमारियां टमाटर में लगने की संभावना होती है। आज के बेहतर तकनीक में हमारे कृषि विशेषज्ञ बता रहे हैं इस समस्या से बचने के उपाय। किसान भाइयों, अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो एक निश्चित रूप से आप उसमें सहारा देना मत भूलिएगा। सहारा देने से आपके टमाटर बहुत ही चमकीला और अच्छा मिलेगा, और बहुत सारी बीमारियां जो कि ज़मीन में फल के छू जाने से हो जाती हैं, जब आप सिंचाई करते हैं अगर फल ज़मीन पे स्पर्श करता है तो उस समय अपने आप बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, पूरा फल सड़ जाता है। तो जब भी टमाटर की खेती करें उसमें सहारा देना कदापि न भूलें, इससे आपको लाभ अच्छा मिलेगा। धान की फसल में खरपतवार समय समय पर निकलते हैं, जिसकी निकाई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। रोपा धान में निकाई गुड़ाई करने के लिए किसान कोनो पैदी बीडर नामक यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। धान की फसल में निकाई गुड़ाई एक महत्वपूर्ण कृषि कार्य है। रोपा धान की फसल में निकाई गुड़ाई करने के लिए किसान भाई इस कोनो पैदी बीडर यंत्र की सहायता ले सकते हैं। इस उपकरण के सहयोग से एक दिन में लगभग 25 डिसमिल खेत में लगे धान की निकाई की जा सकती है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आज के कृषि समाचार के इस अंक में बारी है
सफल किसान से मिलने की, तो आइए इनसे मिलकर जानते हैं इनकी सफलता के रहस्य। ये शख्स सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि की तमाम योजनाओं का लाभ लेने से नहीं चूकते, चाहे नई कृषि पद्धतियों को सीखने का अवसर हो या बीज और अन्य खादों का वितरण। ये इन सब से लाभ लेकर अपनी खेती बाड़ी को और सुदृढ़ करते जाते हैं। ज्यादातर मैं श्री विधि से खेती करता हूँ और इसके अलावा सब्जी का खेती करता हूँ। सब्जी के जैसे अभी लगा हुआ खीरा लगा हुआ है, बरबट्टी लगा हुआ है, टमाटर लगा हुआ है, बैंगन लगा हुआ है, मिर्च लगा हुआ है, मूली लगा हुआ है। और मतलब सब्जी का खेती मैं 12 महीना मैंने करते रहता हूँ। मेरा अभी 3 लड़के हैं और तीनों मतलब अभी बीए, 2 बीए फाइनल कर रहे हैं और एक बीए में एडमिशन हुआ अभी। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य के खाद्यान्न मंडियों में कुछ प्रमुख अनाजों को छोड़कर बाकी अनाजों में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। उधर सब्जी बाजारों में चली आ रही तेजी बरकरार है। वहीं कुछ प्रमुख अनाजों के आज के भाव पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2550 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5700 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 5200 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3600 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8500 रुपए से लेकर अधिकतम 9600 रुपए। आलू न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। और प्याज न्यूनतम 2500 रुपए से लेकर अधिकतम 2800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी, ये खेती बाड़ी का हाल समाचार रहे, बढ़िया बढ़िया समाचार, नया नया समाचार से के तोड़ा बढ़िया से बतवाया दिली। मौसम का हाल, मंडी का भाव, सब बढ़िया से हमरे के जानकारी हुए गेले। भाई देखिए, ये तो हमारे कार्यक्रम में रहता ही है हमेशा, है ना? सही कहती मास्टर जी। और हम तो बुझाएला की कर से पहले कि हम और कोनो पूछो जे हम हमेशा समस्या मन रहेला से कर जानकारी लेओ, हमरे के एक ठो विराम लेवे। अरे नहीं 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 भाई, विराम उराम से पहले मेरा सवाल। हाँ मास्टर जी, राउर सवाल तो होए के चाहिए। चलो किसान भाइयों, आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि गोबर राखी खूब सड़े, उसके आगे क्या होता है? अरे बाबा, हाँ तो गोबर तो खेत खलिहान में रहबे करेला, मैंने हमरे का सब किसान। लेकिन ये कहा है कि खूब सड़े। चलिए, आप विराम में ये इस सवाल का जवाब सोचते रहिए, इसके बाद फिर हम मिलते हैं, है ना? ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम कर बात सब देखो, ये मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
तो मास्टर जी विराम कर बाद हमारे सवाल रहे ला राउर सवाल ऊपर हमरे तनी सोचे थी विचार थी ध्यान आ जाए तो बताओ नहीं तो पता नहीं राउरे तो है ले ही चलिए ठीक है आप ही बताइए आपका क्या सवाल है। ईसन है ना मास्टर जी कि बड़ा सुरीला का के तो काला के कहे ना परजीवी परजीवी अच्छा, अच्छा। बारे में जाने खोजत रही का है के का ही कर सकते अच्छा ये मतलब परजीवी देखिए पर्वतेजी परजीवी तो पेड़ पौधों में भी लगते हैं अच्छा। और पशु पक्षियों में भी लगते हैं अपने हाँ। पशुधन में भी लगते हैं नहीं नहीं आप... जो जैसे हम सुन ली नहीं तो उमन तो आप पशुधन राइट है गाय गरु अच्छा 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 तो ये मतलब आप चाहती हैं कि किसान भाइयों आप भी जानना चाहेंगे कि ये जो हमारे पशुधन है गाय बैल बकरी जो भी आप पालते हैं तो उसमें ये परजीवी क्या है और उससे कैसे हमको बचना चाहिए तो पर्वतीय जी हम जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो आपको बता दें कि ये जो परजीवी हैं वो बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी बाह्य उसको कहते हैं किसान भाइयों जैसे आपके गाय वगैरह हमें चमोकन वगैरह जो लग जाते हैं तो वो बाह्य परजीवी हुए और इसी प्रकार जो पेट में उनकी बीमारी लगती है जैसे जोंक वगैरह हुआ तो उनको हम कहते हैं अंतः परजीवी लेकिन ये कितने प्रकार के हैं कैसे कैसे हैं आप इनसे कैसे बच सकते हैं क्या उपाय करना चाहिए इसकी जानकारी के लिए तो विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा हाँ, हाँ। तो चले विशेषज्ञ हाँ, मास्टर जी तो हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों पशुओं में खासकर तक अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी से क्या समस्या होती है और इसे कैसे निदान किया जाए इसी यही विषय आज हमने चुना है आपके लिए और इस विषय पर जानकारी देने के लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी हजारीबाग के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत अच्छा ही क्वेश्चन पूछा क्योंकि बरसात का मौसम है और जानवरों में बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी की समस्या बहुत ही होती है और इस समस्या के चलते पशुपालक भाइयों को अपने जानवरों से सही उत्पादन नहीं मिल पाता है। पशुओं में दूध की कमी हो जाती है, जो हमारे मांस उत्पादन करने वाले जानवर हैं उनके भी शरीर का उत्पादकता घट जाती है अर्थात उनका वजन जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से नहीं मिल पाता है। अतः किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इस पर वो ध्यान दें। जहाँ तक अंतः परजीवी की बात है तो उसमें होता क्या है कि बरसात के दिनों में काफ़ी पानी बारिश होती है और हमारे पशुपालक भाई भी रहते हैं उनको जानकारी नहीं होती है। अतः मेरा उनसे निवेदन होगा कि जब वो अपने जानवरों को घर से बाहर निकालते हैं चरने के लिए तो कृपया स्वच्छ पानी जरूर पिलाते हैं उनको निकालें, अन्यथा ऐसा प्राय देखा जाता है जब आपके पशु को प्यास लगेगी तो वो गंदे पानी जो गड्ढों में लगा रहता है उसको भी पी लेते हैं, उससे भी उनको अंतः परजीवी की काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। अतः पशुपालक भाइयों आपसे मेरा निवेदन होगा कि आप अपने जानवरों को स्वच्छ पानी पिलाकर ही बाहर के खेतों में चरने के लिए भेजें। दूसरी बात ये भी देखा जाता है जैसे ही बारिश होती है तो बहुत से जो हमारे परजीवी हैं वो जो खेतों में जो घास हरे घास होते हैं उसके ऊपर चले जाते हैं और हमारे जो मूक जानवर हैं उसको घास को चरते हैं और उससे भी बहुत से परजीवी उनके पाचन तंत्र में चले जाते हैं और उससे भी उनको काफ़ी हानि होती है। अतः पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि या तो आप अपने जानवरों को अगर काट के घास खिलाते हैं तो उस घास को स्वच्छ पानी से जरूर धो दें और उसके बाद उनको खाने के लिए दें। और जहाँ तक घास काटने की बात है तो आप ऊँचे ज़मीन जहाँ पर पानी नहीं लगता हो वहाँ के पानी का उपयोग करें। यदि अंतः परजीवी काफ़ी हो जाता है तो उसमें देखा जाता है कि जो भी आप जानवरों को खाना खिलाते हैं तो उसके सारे जो पौष्टिक आहार होते हैं जो पोषक तत्व होते हैं वो जानवरों के शरीर से वे चूस लेते हैं और आपको उत्पादकता उससे सही माने में आपको नहीं मिलेगी और जानवरों में काफ़ी पतला पखाना होने लगता है जिससे आप हमारे पशुपालक भाई काफ़ी डर जाते हैं और कभी कभी देखा जाता है कि उनका अगर सही इलाज नहीं किया जाता है तो जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है। अतः पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन है कि झारखंड सरकार पशुपालन विभाग की तरफ से हमारे जितने भी पशु चिकित्सालय हैं वहाँ पर हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर बैठे रहते हैं, उनसे आप जाएं उनसे सलाह लें और सरकार के द्वारा कीटनाशक बहुत सी दवाइयाँ हैं उपलब्ध हैं और वहाँ से उनसे उचित सलाह लेकर और जो हमारे यहाँ से मुफ्त दवाई मिलती है उसको आप उपयोग करें। दूसरी समस्या देखी जाती है बरसात के दिनों में बाह्य परजीवी की, तो बाह्य परजीवी में ऐसा देखा जाता है कि बाह्य परजीवी का मतलब क्या होता है, आप देखते होंगे कि जू ढील चमोकन बहुत सा लगा रहता है और वो होता क्या है, वो सारे आपके
जानवरों के शरीर से खून का चूस लेते हैं और जानवरों की जो क्षमता है उत्पादकता की वो घट जाती है और उनका शरीर काफ़ी लीनथीन हो जाता है। तो किसान भाइयों से हमारा अनुरोध होगा कि आप हमारे पशु चिकित्सालय में जाएं, वहाँ बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है और उस दवाइयों का आप उपयोग करें। दूसरी बात, अभी मार्केट में बहुत तरह की दवाएँ हैं, जहाँ तक चमोकन की बात है तो हमारे गाँव में ऐसा देखा जाता है कि हमारे पशुपालक भाई एक एक चमोकन को जानवरों के शरीर निकाल लेते हैं। तो कृपया आप उसको निकालते हैं उस समय या तो उसको आप जला दें या जमीन के अंदर गाड़ दें, अन्यथा जैसे ही आप निकाल के उसको बाहर फेंकेंगे कुछ थोड़ी देर के बाद वो ऊपर जाके आपके शरीर में उनके चिपक जाते हैं। अतः पशुपालक भाइयों, आपसे मेरा नम्र निवेदन होगा कि आप बाह्य परजीवी अंतः परजीवी से अपने जानवरों को बचाएं और अपने पशुओं से सही मात्रा में दूध लें और जानवरों की उत्पादक क्षमता को आप बढ़ाएँ। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि बाह्य परजीवी जो सट जाते हैं, जो कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो पशुओं में सट जाते हैं और उनका खून चूसते हैं, उनका जो आपने बताया ये हर एक जिला पशुपालन में ये दवाइयां उपलब्ध हैं जो किसान को आसानी तरीके से मिल सके? पूरे झारखंड राज्य में पशुपालन विभाग झारखंड सरकार की ओर से सारी दवाइयां प्रचुर मात्रा में सारे पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध हैं। उसके अलावा हमारे जो प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं उनके यहाँ भी ये दवाइयाँ उपलब्ध हैं और ये सारी दवाइयाँ मुफ्त में ही सरकार के द्वारा से वितरित की जाती हैं। जब पशुपालक भाइयों को आवश्यकता हो तो उनको प्रचुर मात्रा में उनको दवाइयाँ मिल जाती हैं। अंतः परजीवी की जहाँ तक की बात है तो हमारे किसान भाई मतलब पशुओं को खासकर तक बरसात में चरने के लिए छोड़ ही देते हैं, तो ये कैसे डिसाइड किया जाए कि टाँड़ पर चराया जाए या दोन में चराया जाए? नहीं, हमें प्रयास करना है कि भाई ऊपरी जैसे हम मान लीजिए चरने के बाद तो उसमें हम उसको नहीं रोकथाम कर सकते हैं, मगर हाँ जैसे बहुत से किसान होते हैं पशुपालक हमारे होते हैं कि वो जाते हैं घास काट कर खिलाते भी हैं अपने जानवरों को, तो उनसे मेरा निवेदन यही होगा कि आप ऊंची जगहों से ही अपने घास काट कर खिलाएं और अंतः परजीवी से बचाने के लिए उस घास को आप अच्छी तरह से स्वच्छ पानी से धोने के बाद ही उनको खिलाएं तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे झारखंड प्रदेश में दूर दराज के क्षेत्रों में जो हमारे किसान रहते हैं उनके लिए अगर कोई आसान तरीका हो बाह्य परजीवी से बचाने के लिए हमारे अपने पशुओं को, तो कोई घरेलू उपचार अगर बताएं आप? घरेलू उपचार है जो हमारे किसान भाई बहुत जो सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं जिन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है, वो जो नीम के पत्ते हैं उनको भी पीस कर वो लगा सकते हैं, उनको फायदा होगा। बहुत तरह के भी दवाइयाँ उपलब्ध है जिसको पानी में घोल के शरीर में लगाया जाता है, मगर हाँ लगाने में सबसे बड़ी सावधानी आपको बरतनी ही होगी कि जो हमारे जानवर हैं उनके मुंह में आप जरूर एक ऐसा कुछ लगा दें ताकि वो जानवर को पीछे से उसको चाट नहीं सकें, माने कोई भी ऐसा सामान से उसको उसके मुंह को ठग बांध दें आप, और आधे एक एक घंटे के बाद पश्चात आप उसको स्वच्छ पानी से धो लें। मगर हाँ लगाने में सबसे बड़ी सावधानी आपको यही रखना है कि जो आपने घोल बनाया है उस घोल को जो हमारे शरीर के बाल हैं उसके जस्ट उल्टे तरीके से लगाएं ताकि ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं ताकि जितना भी दवा है वो उसके जो बाल हैं उसके जड़ में वो पहुंच जाए और सारे उसके परजीवी उससे मर जाएंगे। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी अपने पशुओं को बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी से कैसे बचाएं और उसको कैसे दूर करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार जोहार। तो मास्टर जी, जो हमारे विशेषज्ञ रहे तो बड़ा बढ़िया से बता दिले, परजीवी मन तो बड़ा खतरनाक हुआ है ना, नुकसान बड़ा कर रहे ना। बिल्कुल, कई बार तो देखिए ये जो बाह्य परजीवी है जिसको चमोकन भी कहते हैं, ये तो बिल्कुल रक्त चूस चूस करके कमजोर कर देता है पशुओं को और अंततः जो है वो उनकी मृत्यु तक हो सकती है। हाँ मास्टर जी, तो कर तो हमारे जाएं के लिए कि कर हमें कैसे देखभाल करें। अब बताइए आपका अगला सवाल। हाँ, और मेरे सवाल दोनों। हाँ, धार और सवाल ऊपर तो हमें सोचे लाएगी, ताकि हमारे सवाल ही है कि अगर हमारे किसान भाई बहन मन मछली पारे खोजब होले तालाब उलाव की तैयारी कैसे करनी चाहिए? क्या बात है, तो किसान भाइयों सही बात है, आप तो जान रहे हैं कि इस वर्ष वर्षा कम हुई है, तो ऐसे में अगर आप तालाब को बढ़िया से तैयार नहीं करेंगे, उसमें पानी की बचाव नहीं करेंगे, और वो भी जानना जरूरी है कि अगर बहुत अधिक पानी हो तो तालाब को किस प्रकार से तैयार किया जाए ताकि जो आप मछली पालन व्यावसायिक रूप से खास करके करने जा रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, इसकी जानकारी तकनीकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं अपनी विशेषज्ञ श्रीमती मंजूश्री तिर्की जी से। ग्रामीण भाइयों नमस्कार। ग्रामीण भाइयों, खेतीबाड़ी और पशुपालन के साथ साथ आप सब मत्स्य पालन का काम भी बड़े पैमाने पर किया करते हैं, और ग्रामीण भाइयों अभी
ये वही समय है जब तालाबों में मछली का जीरा डाला जाता है और इस समय मत्स्य पालकों को कई ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए जिससे वो मछली पालन और उत्पादन को बेहतर कर सकते हैं। तो इस बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम आए हुए हैं हजारीबाग और हमारे साथ हैं जिला मत्स्य पालन विभाग की मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक श्रीमती मंजू श्री तिर्की जी। मैडम, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे मत्स्य पालकों की ओर से कि इस समय जो तालाबों में मछली का जीरा डाला जाता है जी, तो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? मछली का जीरा जो अभी डाला जाता है तो उसके पहले तो तालाब की तैयारी पर पहले ध्यान देना चाहिए। मछली का जीरा डालने से पहले तालाब की अगर बेहतर तैयारी की जाए तो किसान भाई जो हैं हमारे वो काफ़ी मात्रा में अच्छा उत्पादन पा सकते हैं अपने तालाब से। तो तालाब की तैयारी आपको करना चाहिए किसान भाइयों को अप्रैल से मई महीना के बीच में। अप्रैल से मई महीना के बीच में तालाब में पानी काफ़ी कम हो जाता है। तालाब की तैयारी में पहले तो भीड़ वगैरह की जांच कर लेनी चाहिए कि भीड़ वगैरह उसका सही है कि नहीं। पानी निकासी जहाँ से होता है तालाब में और जहाँ से पानी आता है, मतलब उसका इनलेट और आउटलेट जो होता है वो सही है कि नहीं, उसकी उसका सुनिश्चित कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर वर्षा के समय में अगर पानी अगर ज़्यादा हो जाए या फिर किसी तरह का समस्या हो जाए तो मछली उसमें से निकल सकती है या बाहरी मछली भी उसमें आ सकती है। तो पहले तो ये ध्यान देना चाहिए कि तालाब की भीड़ वगैरह की मतलब देखभाल कर लेना चाहिए, उसको देख लेना चाहिए कि वो सही है कि नहीं। फिर इसके अलावा क्या वो खरपतवार वगैरह जो आ जाते हैं उनको भी हटाना चाहिए? उसके बाद तालाब के अगल बगल जो झाड़ी वगैरह है या तालाब के तालाब में जो खरपतवार वगैरह आ जाता है उसको उसकी सफाई करनी चाहिए। जैसे कमल वगैरह, जलकुंभी वगैरह आ जाता है तो उसको एक बार जाल चला करके या मजदूर लगा करके उसको सफाई की जा सकती है। और ऐसे अगर तालाब में अगर पानी सुखाना संभव है तो उसमें पानी सुखा देना चाहिए, सुखा करके उसमें हल चलवा देना चाहिए। हल चलवा देने से ये होता है कि जैसे खेती जैसे होती है तो उसमें जैसे मिट्टी हल चला देने के बाद एक मतलब कि उपजाऊपन उसमें आ जाता है, तो वही हल चला देने के बाद उसमें चूना वगैरह का प्रयोग करने से वो मिट्टी जैसे खेती की तैयारी होती है उसी तरह मछली पालन में हम लोग तालाब को सुखा करके उसमें हल चलवा देते हैं। उसके बाद जब तालाब में पानी आ जाए जी तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए जीरा डालने के लिए? तालाब में जैसे पानी आ जाए तो सबसे पहले तो उसमें जैसे पानी जो बरसात का पानी आता है तो उसमें चूना का छिड़काव हम लोग करते हैं। तो चूना का छिड़काव आपको करना है, करीब चूना उसमें डालना होता है, चूना डालना पड़ता है 500 किलोग्राम भखड़ा चूना प्रति हेक्टेयर प्रति मीटर के हिसाब से उसमें डालना होता है भखड़ा चूना। तो इससे क्या होता है कि जो पानी का पानी जो होता है वो थोड़ा सा उसमें अम्लीयता नहीं होना चाहिए, उसमें क्षारीय पानी थोड़ा होना चाहिए तो मछली का उत्पादन के लिए अच्छा होता है। अम्लीय पानी होने से उसमें मछली में रोग होने का संभावना रहता है, तो चूना का प्रयोग हम लोग इसलिए उसमें करते हैं। और मैडम, जहाँ तक जीरा डालने की बात है जी, तो जब वो मत्स्य पालकों को उपलब्ध हुआ जी, तो उसका रख रखाव किस प्रकार करना चाहिए वो तालाब में डालने से पहले? तालाब में डालने से पहले अगर तालाब में गोबर और रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाए तो उसका खाना के लिए वो जो होता है वो उसका उत्पादन को बढ़ाता है। तो जैसे गोबर डालना चाहिए 5000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और उसके साथ आपको डालना चाहिए 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट और 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति हेक्टेयर प्रति मीटर की दर से उसमें छिड़काव करना चाहिए, जिससे वो मछली का खाना उसमें तैयार होता है। उसके बाद है कि बीज का संचयन, तो बीज का संचयन करना चाहिए जैसे 3 इंच से 4 इंच की जो मछली होती है, 3 इंच 4 इंच 5 इंच का जो जीरा होता है तो उसका संचयन उस प्रति हेक्टेयर करना चाहिए 5000 जीरा का संचयन और 5000-6000 ऐसे। और अगर जीरा का साइज आपका 1 इंच से 2 इंच है तो 10000-12000 जीरा का संचयन आप उस तालाब में प्रति हेक्टेयर तालाब में कर सकते हैं। तो बीज जो होना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और कहीं नदी वगैरह से ला करके नहीं डालना चाहिए, उसमें दूसरी तरह की मछलियाँ भी होती हैं और हो सकता है मांसाहारी मछलियाँ भी हो सकती। तो मत्स्य पालकों को ये बीज कहाँ से उपलब्ध हो?
मत्स्य पालकों को ये बीज उनके स्थानीय अपने जिला के जो जिला मत्स्य कार्यालय है उसे जब सीजन होता है मछली का बीज का तो उस समय वो उपलब्ध होता है तो वहाँ से वो उसे ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब आपने कहा कि तालाब में इन सारी तैयारियों को करने के बाद जीरा डाला जाता है तो जीरा डालने के बाद किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए? जीरा डालने के बाद सबसे पहले तो है कि देखना चाहिए कि उसमें उसका खाना मतलब कि भरपूर मात्रा में है कि नहीं। तो अगर पूरक आहार ऐसे तालाब में तो कुछ भोजन वगैरह रहता है लेकिन उसके अलावे अगर अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो जो प्राकृतिक उर्वरक जो है गोबर सिंगल सुपर फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट का उपयोग किया जा सकता है। और अगर जैसे कि इसे क्या होता है कि इससे उस तालाब के अंदर एक प्राकृतिक खाना जो उन लोग का होता है प्लवक वगैरह तैयार होता है जिससे मछलियाँ खाती हैं। और दूसरा है कि पूरक आहार के रूप में उसको ये सरसों का खली चावल का कुंडा इसको बराबर मात्रा में मिला करके और इसको जैसे भिगा करके और जैसे सुबह उसका छिड़काव करना चाहिए। तो ये करना चाहिए जैसे कि बीज संचयन के एक महीने तक 2 kg एक हेक्टेयर के लिए मैं बता रही हूँ। तो बीज संचयन के एक महीने तक 2 kg प्रतिदिन के हिसाब से उसको छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद इसकी मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए जैसे समय बीतता है। उसके बाद 3rd महीने से 4th महीने से इसको 4 kg उसके आगे फिर 5 kg 6 kg इस तरह से पूरा आहार अगर दिया जाए तो मछली का उत्पादन जल्दी होता है अच्छा होता है। हाँ, ग्रोथ जल्दी होता है। मैडम, कभी कभी देखा जाता है कि मछलियों के साथ कुछ ऐसी मांसाहारी मछलियां भी आ जाती हैं तालाबों में। जी जी, तो उनसे बचाव कैसे किया जाए? देखिए, मांसाहारी मछलियों से बचाव के लिए तो तालाब में जब मछली का बीज संचयन होता है उससे पहले ही ध्यान देना पड़ता है। अगर तालाब में अगर जैसे पानी इकट्ठा रहा उसमें कुछ मांसाहारी मछलियाँ हैं तो उसको एक प्राकृतिक विष हम लोग जो बोलते हैं महुआ खली वगैरह उसका प्रयोग करके उसको मारा जा सकता है। तो वो मछलियाँ जो रहती है वो खाने लायक रहती है तो उसका प्रयोग पहले कर सकते हैं। तो मत्स्य पालकों, आपने देखा कि तालाब में जीरा डालने के समय बीज संचयन के समय क्या क्या सावधानी बरती जानी चाहिए, इस बारे में मैडम ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मत्स्य पालकों, आप निश्चित रूप से इन सब जानकारी से पूरा लाभ उठाएंगे। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी, आज तो हमारे घर जो किसान मने जानवर अपन पशुधन राख है चाहे जो मछली कर तैयारी करे जल्द से कर बढ़िया से जानकारी मिल गया। और एगो पूछ लो का? नहीं नहीं नहीं, अभी आपको मेरे सवाल का जवाब। अच्छा चलो, तब राउर सवाल का तो रहे गोबर वाला। गोबर राखी खूब सड़े ना, हम तो नहीं बुझे पा रहे थे मास्टर जी का जानी। इसका सीधा सीधा जवाब है, गोबर राखी खूब सड़े तब खेत में दाना पड़े। यानी अगर आपको खेत में बुआई करनी है तो तभी करिए जब गोबर और राख आपके खेत में खूब अच्छी तरह सड़ जाए। इससे पैदावार बहुत अच्छी होती है और उसका किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, ये काग पंडित ने कहा है। देखो किसान भाई बहन मैंने मास्टर जी जे कुछ भी कहे ना सिकर में कितना जानकारी कितना बढ़िया बढ़िया ज्ञान छुपल रहेला। तो इसलिए हमरे हमेशा और से कहिला कि आपन बात आपन सवाल आपन सुझाव हमरे बिल्कुल बिल्कुल आपके ज्ञान की बात हम चाहते हैं कि हम तक भी पहुंचे। और इसके लिए जरूरी है कि आप हमको चिट्ठी से लिख करके बताएं कि आप क्या चाहते हैं। सही कहती, और अगर चिट्ठी लिखे खोजती तो हमारे घर पता नोट कर ले। हमारे घर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 8300001। तो इस पते पर आपके खतों का हमें रहेगा बहुत बेसब्री से इंतजार। लेकिन आज तो कार्यक्रम का अब समय समाप्त हो गया है। हम नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर से मिलेंगे। जोहार।